यार ये क्या हो रहा है? पूरी लेक नजर आ रही है नीचे और हवा तेज है। ओए होए होए, 5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आ गए हैं लेक डिस्ट्रिक्ट में। और प्लीज़ इग्नोर माय शुतुरमुर्ग हेयर कट, ये बस हो गई अब की रहो, रिग्रेट्स हैं, क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये कैंप साइट है, इसके मिड में ही आती है ऑलमोस्ट लेक डिस्ट्रिक्ट के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खाली खाली होगी, लेकिन इतनी खाली नहीं है। अब हम लोग इस वक्त बस कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी पिच मिल जाए। ये गाड़ी मैंने खड़ी की है तो प्रॉब्ली इधर लगाऊँगा, लेकिन प्राइवेसी का इशू है। नीचे दरिया बह रहा है और अभी मैं इस बंदे का वेट कर रहा हूँ, वो आएगा तो उससे मैं पूछूंगा, क्योंकि एक जगह पे पिच मिली है लेकिन वो थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा। तो आज की रात इधर है, कुकिंग वगैरह करेंगे अच्छी सी, और फिर कल जो है वो हमने एक पहाड़ चढ़ना है। ओए, एक टेंट पैक मिली मुझे फ्री की, ये लो। बारिश एकदम से शुरू हो गई, हवा इतनी तेज़ है, कैंप साइट साइट यही है जहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो एक टेंट बस खड़ा कर लिए, दूसरा साथ ही लगेंगे, बीच में ज़रा विंड प्रोटेक्शन सी लगाते हैं। चूल्हा किधर है? गाड़ी में है। तो हो गया दादा? हो गया। किधर 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 हम खड़े हैं? नहीं इधर मिसार, मैंने तुझे इसके अंदर इसलिए बिठाया था कि तू बिठाया नहीं मेरे लोकेशन सेट करो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा तू गुस्सा कर रहा है? क्यों कर रही है यार? यार तू चला जा, नहीं जाना। तू चला जा, मुंह से भरो, मुंह से। अदील एक मिनट रुक जा, मैं पहले इनसे हवा भरूं। नहीं नहीं भाई, एक तो मशीन मैन। ओ भाई, 2 मिनट लगते हैं इसमें, बहुत तेजी से हवा भरती है। दादा आई तू खोल, नहीं तू खोल। हां इसकी, ओ भाई भरता है। ओके गिव अस अ ट्राई देन। No difference whatsoever. No difference whatsoever, bro. There is nothing in there. Bro, you need to use your machine for that, right? Already coffee inflate ho gaya. Haan na. Maro hua. Chal. बर 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 दादा, आई डोंट थिंक सो। होता है भाई ये मुंह से इन्फ्लेट करने के लिए। अबे इस पे डायरेक्ट मुंह लगाना। अंदर तो ना गया ना? नहीं हो गया ना, देख कितना इन्फ्लेट हो गया, फिट हो गया ना, कह रहा हूँ। वो देख दादा उसी तरह उतर ही था, बंद क्या हुआ है दादा, गैस जा ही नहीं रही दादा। लगता है वो वाली ड्रग नहीं होती बलून वाली, जिसके अंदर वो करके हाई हुआ होगा। तो लास्ट टाइम हमने आइसलैंड में ये लगाने की कोशिश की थी, इस बार हमने वाकई लगा लिया। बहुत अच्छा नहीं लगा, गुजारे लग लगे। तूने नहीं लगाया ये? अदील इसके नीचे कुर्सी नहीं, इसके नीचे कुकिंग ही होगी। जगह मान ली, एक ही कुर्सी की जगह बनाई इसने। तो ओ यार, हम लोगों ने स्पेशल चूल्हा कढ़ाई वगैरह लेके आए थे कि हम लोग, जल्दी से बोलो यार। हम लोगों ने कहा कि अपना जो है ना लैम कढ़ाई बना के आज खाएंगे, सब मसाले शसाले स्पेशल पैक किए सारा कुछ। वो लैम हम लोग उधर काउंटर पे ही छोड़ आए घर पे। हमारा कुक जो है ना, कुक हुआ इस साइड, कुक हुआ राइट टमाटर ब्रो। तो अब हम लोग ब्रेड के ऊपर जैम वगैरह लगा के करेंगे। वो जैम भी नहीं है साहब, हमारे पास जैम भी नहीं है, जैम भी नहीं है, जैम भी नहीं है यार। इडेंगे द अब ब्रेड खा के कढ़ाई का मजा ले। इमेजिन तो खाली कढ़ाई में इमेजिन करेंगे भाई यार। टमाटर की भी बन जाती है ना करी, वो बना के बस। इतना ही चीजें नहीं है ना, चाय बनाने लगे तो दूध भी नहीं लेके आए। चाय हो जाए, लिया हुआ 15 पाउंड का मैंने, दूध नहीं लेके आए यार।
लैम कढ़ाई बनानी है, सब कुछ लेके आया, लैम नहीं लेके आया, दूध पत्ती बनानी है, दूध नहीं लेके आया। टी बैग लेके आया? टी बैग चीनी मैंने स्पेशल पैक किया है, कब भी लेके आया ना, वही मैं बोल रहा हूं। सब कुछ दिल की शक्ल देखने वाली है यार। यार अबे अंडे बना लेते हैं ना। बकर थोड़ा दूध लेके आ यार। अब दरिया पे चले यार, नीचे दरिया पे चले, कावा बनाएगी कावा। हाँ एडवेंचर ही एडवेंचर भाई, खाने के लिए हम चीज़ें आधी लेके नहीं आए क्या है यार। बट एनीवे मैं ज़रा कैंप साइट थोड़ी सी दिखाऊँ, वेरी ब्यूटीफुल कैंप साइट। हॉलीडेज हैं इसलिए रश है और विंड बहुत तेज़ है, लेकिन साथ ही दरिया है। ओहो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है इस दरिया का, बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है। देखो पूरी नीचे ज़मीन पत्थर नज़र आ रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे ज़रा गर्मी होगी इस बार तो मैं नहाऊँगा पानी में, लेकिन नहीं भाई जैकेटें निकालनी पड़ गई, इधर तो ठंड है अच्छी खासी। ओह ये किसी का टेंट लगा हुआ है इधर, ये मुझे साइट बहुत पसंद आई थी लेकिन नहीं, वो हमारे दो टेंट लगे हुए हैं साथ, उसका वो टार्प्स है, वो हमारी गाड़ी है। और ये मेरी शुतुरमुर्ग वाली हेयर कट वगैरह भाई, कैंपिंग सीन फुल ऑन है और एक्चुअल कैंपिंग सीन और बारिश लगी पड़ी है, हवा भी है। अदील वो टेंट के अंदर से छोटी सी अपनी बूथी निकालता है, थोड़ा आ गया ना। अदील जरा मुंह बाहर निकाल, बहुत बड़ा है नहीं हवा और ठंड की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं बस इधर नीचे लगा के। ये सारा हमारा किचन का सामान है और इधर अब हम इस पे थोड़ी सी कोई कुकिंग वगैरह करेंगे, जो हमारे पास सामान है थोड़ा बहुत, जो हम लैम लेके आए हैं और दूध लेके आए उसका हम उसको हम सोच के हम अंडे बनाएंगे। बारिश हो रही है कभी कभी नहीं हो रही, हवा भी बहुत तेज है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा। दादा आपको मजा आ रहा है? बहुत बहुत, I mean like this is amazing bro, I'm telling you like this is really cool and amazing। बस हो गया निसार। दादा तो ऐसा जैसे कभी खुशी कभी गम, चलिए शाहरुख खान ही बन गया। निसार आपको तो मजा आ ही रहा है? मुझे क्यों मजा आ ही रहा है, मेरा स्टोव आया है लैम आया नहीं, I'm going to be heartbroken for this। निसार के अब्बू अगर व्लॉग देख रहे हैं, अंकल सलाम अलैकुम, निसार बता के नहीं आया हुआ, बस और आगे नहीं बढ़ना। बना लो, कितने अंडे डालने हैं? कितने जितने डल गए। लैम तो नहीं है, अंडे जिंदाबाद भाई। और बारिश नॉन स्टॉप लगी हुई है, हमने यहाँ पे अपने खाने का सीन ऑन कर लिया। सुबह के 10 बज रहे और 6 बजे हमने उठना था, वैसे 6 बजे उठे हैं हम लोग, लेकिन बारिश इस तरह अभी भी लगी हुई है, 6 बजे तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इतनी बारिश हम लोगों ने फिर निकली नहीं बाहर टेंट से, हल्का सा मुँह निकाल के बाहर देखा, तो अब भी हमने कहा यार ज़रा नाश्ता वाश्ता करें, हलीम वगैरह रखी हुई है तो वो खा के हम लोग फिर निकल रहे हैं। अभी हमने तकरीबन घंटे की ड्राइव है जिस डायरेक्शन में जाना है, तो होपफुली उस जगह पे बारिश नहीं हो रही होगी। भाई हम लोग ड्राइव करके ग्लेन रीडिंग के इस विलेज में आ गए हैं, यहीं से जो आज हम माउंटेन कर रहे हैं उसका नाम है हेलवेलन, और वो
यूके की चौथी सबसे बड़ी है, तो उसमें एक दो रिजेस भी हैं, वो भी करेंगे अपेरेंटली 4-5 घंटे, लेकिन हमारे साथ 4-5 घंटे कभी नहीं होता, इट्स ऑलवेज मोर देन 4-5 आवर्स। यार ये मैप हमें यहाँ कहाँ ले आया यार, ये वो बंदे भी यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे कहाँ जा रहे हो बे, हम गलत आ गए, हम गलत आ गए। हम थोड़ा गलत चले गए थे, मैप लिया है, मैप रीड नहीं करना आ रहा, तो हम साइड से जा रहे हैं। एज पर लोकल 4-5 घंटे की हाइक है ये, हमारा पूरा दिन लगेगा कन्फर्म। ग्लेन रीडिंग की जो पार्किंग है वो नीचे है, वहाँ से पैदल चल के आना होता है ऊपर जहाँ पे कैंप साइट है, इस जो इसका बेस कैंप भी बनता है हेलविलन का, उस पर कैंप साइट भी है, तो फिर वहाँ से आपकी एक्चुअल हाइक शुरू होती है। तो अभी हम लोग कैंप साइट पर आ गए हैं और दरिया बह रहे हैं, राइट, हेलविलन इस डायरेक्शन में है, इट सेज 3 माइल्स, नीचे वो विलेज है और अब हमने वो ऊपर क्लाइम करना है, सारा रूट बना हुआ है। गुड बॉय, गुड बॉय। ओके बाय। स्टीप के बाद थोड़ा फ्लैट सरफेस आ गई है, लेकिन पीछे नीचे उल्स वाटर लेक नज़र आ रही है और आगे की तरफ जो है ना वो स्पिल वे, उसी लेक का स्पिल वे गुजर रहा है। नीचे बॉयज से जा रहे हैं सारे, वो जंक्शन है आगे दो रास्तों का, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से छोटी सी ब्रेक लेंगे, इतना ज़्यादा हमने किया नहीं, लेकिन बॉडी अब गर्म हो गई है, एकदम से थकावट हो रही थी। क्या दरमियान की मांग निकल रही है यार। भाई हम अपने साथ पेशावर का कूली लेके आए, एक आई थिंक आगे एक जंक्शन आ गया पाथ का, वहाँ पे मैं मार्किंग पढ़ के दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डैम टाइप बना हुआ है, एक रूट वो है जिससे हम वापस जाएंगे और ये रूट है जिससे हम आए हैं। अभी पहली क्रॉसिंग से हम लोग आ चुके हैं आगे, साथ साथ दरिया बह रहा है, साथ दूसरा रूट है और हल्की हल्की बारिश है, लेकिन फिर भी बीच में लाइट ज़रा स्ट्रॉन्ग है, सनग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है, बट व्यू पीछे आ रहा है लेवल का, नाइस। वाह यार लवली। हाँ वेदर थोड़ा खुलना शुरू हो गया है, क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिस इज़ लाइक द बेस्ट वेदर आई कैन हैव फॉर हाइकिंग। मुझे सनी बहुत बुरा लगता है, मुझे गर्मी से ही नफरत है। आबिद भाई को बहुत शौक है गर्मी का, हल्की सी धूप पड़ती है वो ऋतिक रोशन बन के आ जाते हैं, लेकिन मुझे गर्मी से नफरत है। सीन कुछ यूँ हुआ है कि ये जो रूट है इस पर हम हैं, ये बेसिकली हमारा वापसी का रूट होगा, लेकिन हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं। अब जिस रूट से हमने जाना था हम वहाँ से वापसी मारेंगे। आधा पठान इसलिए मैं आधा उल्टा काम करेगा, पठान और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वही धुंध सी आ रही है, बिन नर्वस फील, लेकिन इट्स नाइस, द वेदर इज़ नाइस, फील्स नाइस। हो जा रहे हैं बॉयज, बैक साइड पे जो रेड टांड जो लेक है हेलविलन के सेंटर में छोटी सी, वो इधर है, और अब हम थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि हम गलत रूट पे आ गए थे,
हमें से ऊपर जाके ऊपर की तरफ होल इन द वॉल से स्ट्राइडिंग एज की तरफ जाएंगे ऊपर। अच्छा ये जो एरिया है ना दिस इज़ नाइसली फ्लैट और जो होल इन द वॉल की तरफ जा रहा हूँ वो सामने ही है, क्रॉसिंग सी है, उसके साथ पूरी एक दीवार है, एक दीवार जा रही है जो पता नहीं नज़र आएगी इसमें कि नहीं, वो पूरी एक दीवार आ रही है स्टोन की। तो इधर इसका कनेक्शन पॉइंट है, उसको होल इन द वॉल पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन जो रिज है वो ऊपर है पूरी। तो हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करके अब उधर जाएंगे, अलग करें थोड़ा सा ये क्लाउड्स क्लियर हो जाएं तो ऊपर मैं ज़रा ड्रोन शॉट्स ले लूँ अच्छी सी। ये मैं होल इन द वॉल पे आ गया हूँ, अब मोरी तो कोई नहीं नज़र आ रही, चक्कर क्या है, इसको होल इन द वॉल पता नहीं क्यों बोलते हैं। ये रास्ता भी जा रहा है ऊपर और ये भी कहीं जा ही रहा है, पूरी दीवार है पीछे वो उधर से और ये इधर एक और दीवार के साथ कनेक्ट हो रही है, तो आई थिंक इसको इसलिए होल इन द वॉल बोलते हैं। हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है और बीच में थोड़ा थोड़ा वैली का व्यू आता है। माउंटेन क्लाइंबिंग का अब मेरा फेवरेट पार्ट शुरू हो गया है, जो मुश्किल तरीन होता है तो उस पर बंदा स्लो जाता है और मैं स्लो हाइकर हूँ तो मैं उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ। अब जो आगे रिज है वो सारा स्लो काम है, तब हम स्लोली स्लोली जाएंगे। इस रूट पे आज हवा बहुत तेज़ है और ऊपर जाके और तेज़ हो जाएगी ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा इधर 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे। निसार के पीछे रह गया यार, निसारा स्नोडन वाली फील आना शुरू हो गई हल्की हल्की सी। ये नीचे फॉल है और वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे हो गए हमें आए हुए। ये वाली रिज का स्टार्ट है, कुछ नज़र नहीं आ रहा यार, पूरी लेक नजर आ रही है नीचे और हवा तेज है। लेक मुझे नजर आ रही है पीछे नीचे, लेकिन विंड और बहुत बुरा हाल है। क्या नीचे सही है? रात सुनहरी पूछे दिल से बात ये गहरी, ख्वाहिशों के दर पे बैठा आसरों का बोझ सहता, पास ये हवा जो बहकती जाने सब हर बार ये कहती, खिड़कियां ये बंद न कर तू सांस ले खुदी से न डर तू। I'm a sailor but I'm in my mind, I don't need you telling me that I'm starry eyed, I don't wanna hold up if I can't break, I don't wanna shut down just to feel safe, I'm pathetic, so frenetically romanticizing, but there's just something so poetic in the clutter. You can't wear me down, oh, you can't wear me down, oh, go, cause I'm never taking slow, I got what it owes. Hawaii is this day, eh? पानी के कतरे ऐसे उड़ उड़ के खुद ही जा रहे हैं ऊपर की तरफ, इधर से पूरी गस्ट आ रही है इस तरह करके, विंड थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी दुनिया अच्छी बहुत ज़्यादा विंड है, तो हम लोग रिज की तरह साइड से जा रहे हैं तो ऊपर से नहीं जा रहे ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि डेंजरस हो रहा है, कुछ भी नहीं हमने ऐसा पहना हुआ कि थोड़ी प्रोटेक्शन मिले स्पेशली सर वगैरह की, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, लेकिन समिट एटलीस्ट कोई किलोमीटर एक दूर होगा, ज़्यादा नहीं। रूट हमने थोड़ा सा नीचे वाला ले लिया लेकिन ये भी इतना कोई आसान नहीं है। ओह हालात बुरे हो गए हैं यार, उफ एक और रेज आ गई है। इधर जरा
विंड से प्रोटेक्शन है, तो टॉप पे जाने से पहले हम इधर ज़रा लंच कर लें, लंच जो हम भूख लगी हुई है। लेकिन ये रिज हम लोग करके आए हैं उधर से पूरी, अभी पीछे भी एक रिज है लेकिन टॉप इतना दूर नहीं है, लेकिन विंड और हवा की वजह से बहुत बुरा हाल है। होंगे यार चिप्स सैंडविचेस, और यार कोक का कैन भी निकालो, किस किस के पास है, तेरे पास है? निकालेगा तू, निकाल कोक का कैन है तेरे पास? कोक का कैन छुपाया है सारे ने। सर तू तो वापस की तरफ जा रहा है, है? वापस जा रहा है? नहीं नीचे जा रहा है। अच्छा आराम से जा रहा है। इधर से नीचे उतरना है तो मैं कैमरे जरा बैग में रखूंगा क्योंकि तो कैमरों के साथ नहीं उतरा जा सकता। हम लोग दूसरी रिज भी क्रॉस की है, तो हम लोग ये आ गए हैं, आई थिंक ये समिट लेवल है, और ये तो ऐसे है पार्क है। बॉयज वो हैं, लेकिन घास उगी है, रास्ते बने हुए हैं भाई, तो ऐसा लगता है मैं पत्थरों में से गुजर के तो पहाड़ों पे किसी पार्क में आ गया हूँ। अजीब एडवेंचर हो रहे हैं हमारे साथ हम पीछे से चढ़ के आए हैं और ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे कोई पत्थरों का वो बना हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं इसी डायरेक्शन में है समिट, लेकिन हम टोटल गलत आगे समिट क्रॉस करके हम वापस चल पड़े थे। मैंने कहा नहीं ब्रो वापस तो जाएंगे, समिट को हाथ लगा के आना है, तब हम वापस जा रहे हैं। समिट के मैं करीब हूँ, डिफरेंट मोन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, पीछे भी एक मोन्यूमेंट लगा हुआ है। अच्छा ये शायद यूके की वाहिद ऐसा समिट है जिसके ऊपर 1926 में एक बंदे ने जहाज़ भी लैंड किया था, तो ये काइंड ऑफ इतना फ्लैट है कि यहाँ पे जहाज़ लैंड हुआ था। तभी तो मैं कह रहा था पार्क लग रहा है। वो रहा समिट, वो नज़र आ रहा है। ओह ओह दिस वाज टायरिंग यार। इस वक्त मसला ये है कि नीचे वेदर बहुत अच्छा था और वेदर फोरकास्ट भी अच्छी थी, लेकिन इस वक्त मैं पूरा गीला हूँ, इंक्लूडिंग जूतों के अंदर भी पानी है, पुरुच पुरुच हो रहा है, पुरुच पुरुच। इस वक्त इंतहाई गीली हालत में जूतों से भी पानी निकल रहे हैं। हम लोग हेलवेलन के समिट पे पहुँच गए हैं और ये रहा समिट। 1, 2, 3 हेलो माउंटेन। हम लोगों ने समिट से निकल आए, वापसी का सफ़र अपना अब शुरू कर दिया है। यूजली व्यू अगर हो तो यहाँ नीचे पूरी लेक नज़र आती है और ये बड़ी प्लेन सर्विस है, लेकिन भाई जब भी हम कोई नई माउंटेन समिट करते हैं हमें व्यू नहीं नज़र आता ऊपर से, ये हज़्ब रिवायत है इस वक्त। वापसी सीधा ट्रैक है लेकिन लंबा है, ऑफ कोर्स नीचे लेक नज़र आ रही है, बारिश और हवा। या क्लोथिंग सही ना होना तो बंदा तबाह हो जाता है, और तबाह हो गए क्योंकि इस वक्त टोटली गीले हैं, बिल्कुल गीले हैं हम लोग। अब कहीं जाके बारिश रुकी है और हवा रुकी है तो पीछे थोड़ा व्यू नज़र आना शुरू हुआ है। मतलब इट्स अ मैसिव लेक यार, मतलब इट्स अगर यहाँ पे व्यू हो ऊपर से तो इट्स अमेजिंग, तो बट दिस इज़ नाइस एज वेल, मुझे तो मेरे लिए तो ये भी काफ़ी है। अब हम नीचे जा रहे हैं बस, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, और चाय मिल जाए ना बस, चाय, दूध भी नहीं लेके आए, गोश्त भी नहीं लेके आए, पूरा एडवेंचर वाला जो है ना ट्रिप हुआ इस बार हमारा। सीन फिर सीन हो रहे हैं हमारे साथ, विजिबिलिटी नहीं थी तो हम लोग एक पाथ को फॉलो करते रहे हैं। अब मज़े की बात ये है कि मुझे भी नहीं पता लगा कि ये क्या हो रहा है, और हम लोग पहाड़ की दूसरी साइड पे उतर आए, हमने पहाड़ की उस साइड पे उतरना था। अब नीचे पहुंच के मुझे नहीं पता हम लोग गाड़ी तक कैसे जाएंगे क्योंकि इट्स ए हेल ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। जो यार ये क्या हो रहा है। अब यहाँ से वो लेक है, उस लेक जो है उसके साथ नीचे रोड है, तो अब वहाँ पे जाके हम देखेंगे, ऐसे ऐसे करके किसी से रास्ता मांगेंगे, कोई हमें कोई लिफ्ट दे दे या टैक्सी अगर कहीं से मिल जाए
सिग्नल्स का भी इशू है। एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है इस वक्त, फुल ऑन। ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं, सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं, अब देखते हैं कि जहाँ पे गाड़ी पार्क है ग्लेन रेडिंग, वहाँ पे कैसे जाएंगे। और बड़े ब्लंडर मारे हैं यार इस बार हमने। टैक्सी हमने मंगवा ली है एंड विल यू बिलीव कि 20 माइल्स का हमें टूर पड़ रहा है, ये डी टूर, क्योंकि हम पहाड़ के एक साइड से दूसरे साइड पे उतरे हैं, 20 माइल का फ़र्क आ गया है। तो बस ये इस हमारा एडवेंचर आज का इधर ही ख़त्म है, ब्लॉग में इधर ही एंड करूँगा। अब हम लोग जाके कुछ खाएंगे, गीले कपड़ों से निकलेंगे और सोएंगे। और आज मुझे पता है बड़ी बड़ी प्यारी नींद आनी है और मेरे खराटे पूरे पूरी वैली में गूंजेंगे। जब मैं थका हुआ होता हूँ मेरा खराटा बहुत बड़ा निकलता है। एनीवे अंटिल नेक्स्ट टाइम, टीसी।